हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति यादव। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 11 ऑफ हिंदी लिटरेचर ऑफ क्लास थर्ड। द चैप्टर नेम इज अब्राहम लिंकन। सो एवरीवन, इन दिस चैप्टर अब्राहम लिंकन, एज वी नो वेरी वेल दैट अब्राहम लिंकन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन। सो अबाउट हिज लाइफ अ वन इंसिडेंस इज देयर दैट वी विल बी रीड। ओके एवरीवन, सो सी दैट। Let's start now। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका को बनाने वाले अब्राहम लिंकन का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, यानी उन्होंने अपना बड़ा ही योगदान दिया था संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव रखने में, आदर से लिया जाता है। फिर ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने उत्तरी तथा दक्षिणी यानी साउथ और नॉर्थ दक्षिण अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाया और वहाँ से दास प्रथा यानी गुलामी को समाप्त कर दिया। मीन्स यहाँ पर जो अब्राहम लिंकन है, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, उन्होंने दक्षिणी और अमेरिका को इतना महान राष्ट्र बना दिया कि वहाँ कुछ लोग ऐसा हुआ करते था कि वहाँ कुछ लोग लोगों से गुलामी कराया करते थे। यानी अगर कोई एक व्यक्ति किसी के घर में एक नौकर है तो उसकी पीढ़ियों को भी, आने वाली जनरेशन को भी वहाँ दास प्रथा यानी एक दास प्रथा का पालन करना पड़ता था, उनके यहाँ काम करना पड़ता था। तो उसके बाद मिस मजबूरन उनकी मर्जी के बिना उन्हें वहाँ काम करना पड़ता था। वो हमारे जो राष्ट्रपति थे यानी अमेरिका के, उन्होंने ये दास प्रथा को समाप्त किया। अब्राहम लिंकन बड़े दयालु और परोपकारी थे, बहुत ही काइंड थे। बचपन में एक बार लिंकन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उसी समय उन्होंने घोड़े को आता देखा। यानी वो ही वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड, तो उन्होंने घोड़े को आते देखा वहाँ से, तो घोड़े की पीठ पर काठी वी कैन से दैट दिस वन, काठी तो थी परंतु सवार नहीं था। यानी राइडर, जो सवार होते हैं बैठकर उसे चलाते हैं, वो नहीं था। अब्राहम सोचने लगा, यानी लगे हो ना हो इसका सवार कहीं गिर गया है। उन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है घोड़ा अकेला आ रहा है, इसका जो चलाने वाला सवार है वो कहीं गिर गया है। उसने मित्रों से कहा, मित्रों मालूम होता है कि घोड़े का सवार मार्ग में कहीं गिर गया है, चलो चलकर उसकी सहायता करते हैं। ऐसा उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि चलो क्यों ना इस जो सवार है उसकी हम सहायता जा करके करते हैं। परंतु एक साथी बोला, अरे अब्राहम रहने विधो, यह घोड़ा तो किसी शराबी का जान पड़ता है, वह शराब के नशे में गिर गया होगा और हमें उनसे क्या लेना देना, चलो खेले। तो ऐसा उनके एक मित्र ने कहा कि गिर जाने दो, हमें क्या, हो सकता है कोई शराबी होगा और हमें क्या करना, चलो हम तो खेलते हैं। ऐसा उनके एक मित्र ने कहा, यानी उन्होंने कम्प्लीटली उनसे डिनाई कर दिया, मना कर दिया। नाउ सी, दूसरे साथियों ने भी अपने पहले साथी की हमें हाँ मिलाई, यानी वो भी उससे एग्री हो गए, वो भी सहमत हो गए। परंतु इससे अब्राहम को संतोष नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो एग्री नहीं हुए उसे। वह बोला, मित्रों ऐसा नहीं कहना चाहिए कि फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो संकट में है यानी परेशानी में है उसकी सहायता करना हर मनुष्य का कर्तव्य है यानी जिम्मेदारी है। जो भी परेशानी में होता है और जो भी मनुष्य, तो मनुष्य की इंसानियत के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी सहायता करे। इस पर सभी साथी, कर्तव्य होना चाहिए, तो इस पर सभी साथी अब्राहम का विरोध करने लगे, यानी क्या करने लगे, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। शाम का समय हो गया था, सभी साथी एक एक करके घर चले गए, यानी उनके जो सारे फ्रेंड्स थे वो घर चले गए। अब अब्राहम अकेला रह गया, अब वो अकेले रह गए वहाँ पे। उस ओर चल पड़ा जिधर से वह घोड़ा आया था, यानी अब्राहम ने क्या किया, वो उस रास्ते पर निकल पड़े जहाँ से वो घोड़ा आ रहा था। थोड़ी दूर जाने पर अब्राहम ने देखा कि सचमुच मार्ग में एक व्यक्ति गिरा पड़ा है। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक घोड़ा तो था लेकिन व्यक्ति नहीं था, तो जब उस रास्ते पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सचमुच में एक व्यक्ति गिरा पड़ा था। उसके मुँह से शराब की गंध यानी बदबू आ रही थी। अब्राहम ने सोचा, मेरा अनुमान सच निकला, यानी जो वो सोच रहे थे वो सच निकला। आगे बढ़कर उसने शराबी को उठाकर कंधे पर डाल लिया, यानी जो आगे बढ़कर उन्होंने इस तरह शराबी को उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा, यानी उसे अपने घर पे ले गए अब्राहम। शराबी की बोझ से थक कर चूर चूर हो गया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही थी।
जब वो घर पे पहुंचे तो उनकी बहन उनका इंतजार कर रही थी वहां पे। बहन ने शराब की गंध सूंघते ही झुंझला कर यानी गुस्सा होकर अब्राहम से कहा, तुम्हें हर समय दूसरों की सहायता ही करनी पड़ती रहती है, देखते नहीं कि इसका सारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है और मुंह से शराब की बू यानी बदबू आ रही है। ऐसा कहकर उनकी जो बहन थी उन्होंने बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा किया। किसने? अब्राहम की सिस्टर ने अब्राहम पर, क्योंकि वो उस व्यक्ति की हेल्प कर रहे थे जो कि वो शराब पिए हुए थे, उनके कपड़े गंदे थे, उनके मुँह से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। अब्राहम ने बहन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने शराबी के गंदे कपड़े उतारे और उसके शरीर को साफ किया, फिर उसे अपने कपड़े पहनाए और सुला दिया। रात भर जागकर वह उसकी देखभाल करता रहा, यानी उन्होंने उसके कपड़े चेंज करे, उसके कपड़े पहनाए और उन्हें सुला दिया और रात भर उस व्यक्ति की अब्राहम ने देखभाल की। सो एवरी वन नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। सवेरा होने तक शराबी होश में आ चुका था, जाकर उसने अब होश में मतलब जग चुका था, जाकर उसने अब्राहम से कहा, प्यारे मित्र मैंने बड़ी भूल की जो आज इतनी शराब पी गया, धन्य हो तुमने मुझे सहारा दिया और मेरी सेवा की, मैं तुम्हारा उपकार यानी जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है वो मैं कभी नहीं भूलूँगा और इसके बाद शराब कभी नहीं पीऊँगा, मेरा विश्वास है कि तुम अपने देश को अवश्य ऊँचा उठाओगे। यह कहकर वह व्यक्ति अपने घर चला गया और यह बालक ही बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाराष्ट्रपति बना, जिसका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। मीन्स एवरीवन, जब वो व्यक्ति होश में आया तो उसने ये प्रॉमिस किया अब्राहम से कि वो आगे कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा और बहुत ही धन्यवाद कहा अब्राहम का कि उसने उसे सहारा दिया, अगर वो सहारा नहीं देता तो शायद ही वो जिंदा बच पाता, और उसे उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि तो अपने देश को आगे बढ़ाओगे। और यही बालक यानी दिस बॉय, ये बालक बाद में जाकर के संयुक्त राज्य अमेरिका के महान राष्ट्रपति बने, जिससे आज भी लोग जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, आज भी लोग उनका नाम बड़े ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। सो एवरीवन, आई होप दिस चैप्टर यू हैव अंडरस्टूड एंड ऑल्सो I will hope from you that you will be also follow his guidance and you will also will be follow the progressive way of our country. Thank you everyone.